येस वेलकम स्टूडेंट टू द इकनॉमिक्स क्लास अगेन मैं आपको याद करवा दूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने फॉमूलाज डिस्कस करे थे कोरलेशन फाइंड आउट करने के हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा था इन द प्रीवियस क्लास डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कोरलेशन फाइंड आउट करने के फॉर्मूला क्या था आर इज टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्डाइविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइशन ऑफ वाई हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करना सीखा था स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ वाई भी कैलकुलेट करना सीखा था कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था कोवेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई एक्स वाई का मतलब क्या था डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ठीक है तो डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों को मल्टीप्लाई करा उसका समेशन करा डिवाइड बाई एन एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समय आप हमने स्टैंडर्डाइशन ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करा था समेशन ऑफ एक्स केयर अपॉन एन इसका अंडर रूट सेम वे हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइशन ऑफ वाई फाइंड आउट करा था समेशन ऑफ वाई स्केयर अपॉन एन तो इस तरह से हमने कोवेरियांस फाइंड आउट करा और आर फाइंड आउट करा डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन फाइंड आउट करने की और भी बेटर फॉर्मूलाज हैं वी कैन फाइंड आउट आर इन दिस मेथड ऑल्सो वी कैन डिवाइड स्मेशन ऑफ एक्स वाई बाय एन इंटू स्टैंडर्डाजेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डाइशन ऑफ वाई देर वॉज अनदर थर्ड फार्मूला दैट स्मेशन एक्स वाई अपॉन समेन एक्स केयर इंटू समेसन वाई स्केयर और इसका अंडर तो ये बेटा तीन मैथड्स हमने डिस्कस करे थे वन टू थ्री ये सारे के तीन के तीन मैथड डायरेक्ट मैथड के अंडर कवर होते हैं कुछ बुक्स में तो बेटा सिर्फ डायरेक्ट मैथड ही डिस्कस किया जाता है कोरलेशन फाइंड आउट करने का कि आप ये बस तीन चार फॉर्मूले याद करो इसको अप्लाई करो और कॉरलेशन हो गया बट मैं आपके साथ और मेथड भी डिस्कस कर रही हूँ शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड नहीं बेटे कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाती है आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो मेथड हमने डायरेक्ट मेथड में फार्मूला डिस्कस करे हैं उसमें फार्मूला बेसिक छोटा है बट उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी है ठीक है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को याद करने में शॉर्टकट मेथड में फार्मूला लंबा होगा बट कैलकुलेशन इससे आपकी इतनी इजी हो जाएगा कि शायद आपको कैलकुलेटर भी यूज़ ना करना पड़े मोस्ट ऑफ़ द जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना कैलकुलेटर के भी आर फाइंड आउट कर लेते हैं आप देखो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई अगर हमें फाइंड आउट करना है देन फार्मूला क्या होगा एन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेन डी वाई ओवर एन समन डी एक्स स्क्र माइनस डी एक्स का होल स्केयर अब इसका अलग से अंडर रूट दो पेयर्स ऑफ अंडर रूट बनेंगे ये है एक्स का पेयर अब यहाँ पे है वाई का पेयर एन डी वाई स्क्र माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वेयर बेटा ये फॉर्मूला याद कर करने का वे आउट क्या है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें तो दो पेयर बन जाने हैं ये एक्स का पेयर है ये वाई का पेयर है ठीक है थीके? इसमें क्या है डी एक्स ये डी एक एक्स और डी वाई टर्म्स नई टर्म आई है डी एक्स का मतलब है एक्स माइनस ए डी वाई का मतलब है एक्स माइनस ए ए का मतलब अब यहाँ पे क्या है अज्यूम्ड मीन ए इज़ अज्यूम मीन हम अपनी तरफ से एक मान के चलते हैं कि हो सकता है इस सीरीज़ का अज्यूम मीन ये हो ठीक है जैसे ये सीरीज़ है एक्स सीरीज़ है देखो वैल्यूज़ कैसे हैं फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्सटी फिफ्टी फाइव सेवेंटी फाइव सिक्सटी फाइव हम अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू को मान लेते हैं कि ये हमारे लिए अज्यूम मीन है कोशिश करनी चाहिए हमें कि कोई सेंट्रल सी वैल्यू नहीं जैसे फिफ्टीन है सिक्सटी फाइव है सेंट्रल वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज फोर्टी फाइव या फिफ्टी ले लेते हैं ले ले है। ये लग रहा है कि ये इन बिटवीन वाली वैल्यू है वो वैल्यू हम लेंगे जो लगता है कि ये मीन के मीन इसके आसपास होता है मीन हमेशा ही सेंट्रल वैल्यू होती है ठीक है तो ऐसी वाई के केस में भी वैल्यूज़ हैं आपके पास सिक्सटीन एट फोर्टी ट्वेंटी फोर इतनी सारी वैल्यूज़ गिमन है मान लेते हैं कि चलो हमने फिर फोर्टी एट या फिफ्टी सिक्स की वैल्यू को ले लेते हैं अज्यूम मीन डी एक्स क्या होता है बेटे डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन जब हमने स्मॉल एक्स फाइंड आउट करा था स्मॉल एक्स का क्या, क्या मतलब था डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ठीक है प्रोसेस सेम है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स मीन के आ गया था यहाँ पे एक्स माइनस ए है अज्यूम मीन हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं अब यहाँ पे अलग से हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सेम वे डी वाई का मतलब क्या है वाई माइनस अज्यूम मीन वाई की वैल्यूज़ और अज्यूम मीन में से हम माइनस करे जाएंगे समेशन डी एक्स डी वाई का मतलब क्या है जब हम डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे डी वाई फाइंड आउट कर लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई देन उसका समेशन समेशन डी एक्स समेन डी वाई का मतलब क्या है डी एक्स निकालो उसका टोटल डी वाई निकालो उसका टोटल देन उनको मल्टीप्लाई करो समेशन डी एक्स स्क्र का मतलब क्या है कि आपने डी एक्स निकाला उसका स्क्वेयर करा फिर उसका समेशन करा समेशन डी एक्स का होल स्क्र का मतलब क्या है कि पहले डी एक्स निकालो उसका समेशन करो फिर उसका स्क्वेयर करो ठीक है सेम इज़ द केस हेयर तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है हमें डी एक्स एंड डी वाई फाइंड आउट करना है डी एक्स कैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आ, हम ले लेते हैं कि फिफ्टी है हमारे लिए एज्यूमीन तो ए एक्स सीरीज में से एज्यूमी मैंने ले लिया फिफ्टी तो डी एक्स कैसे फाइंड आउट करा एक्स माइनस फिफ्टी तो फिफ्टीन माइनस फिफ्टी कित क्या हो गया माइनस थर्टी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव माइनस थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी माइनस फिफ्टी माइनस थर्टी तो इस तरह से हमने ये सारा डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ठीक है तो अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो डी एक्स का टोटल हो जाएगा हमारा माइनस फिफ्टी अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई डी वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं कि हमारा अज्यूम मीन है फिफ्टी सिक्स तो वाई माइनस अज्यूम मीन ऑफ वाई सीरीज़ तो हमने अज्यूम मीन ऑफ वाई सीरीज़ क्या ले लिया फिफ्टी सिक्स अब हम क्या करेंगे सिक्सटीन माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टी एट माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी टू माइनस एट ज़ीरो सिक्सटीन एट ट्वेंटी फोर सिक्सटीन इसका टोटल कितना हो गया माइनस एट्टी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डी एक्स स्क्र जैसे जैसे बेटा फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है वैसे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है डी एक्स डी वाई आ गया डी एक्स स्क्र चाहिए हमने और एक डी वाई स्क्यर चाहिए डी एक्स स्क्र कैसे निकालेंगे माइनस थर्टी फाइव का स्क्वेयर माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा वन डबल टू फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्यर सिक्स ट्वेंटी फाइव नाइन हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ज़ीरो टेन का स्क्यर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव एंड यहाँ पे टोटल क्या है हमारा थ्री एट फाइव ज़ीरो सेम वे डी वाई स्केयर हमने फाइंड आउट करा फोर्टी का स्केयर सिक्सटीन हंड्रेड टू थ्री ज़ीरो फोर टू फाइव सिक्स वन ज़ीरो टू फोर सिक्सटी फोर ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो सिक्सटीन का स्केयर टू फिफ्टी सिक्स एट का स्केयर सिक्सटी फोर ट्वेंटी फोर का स्केयर फाइव सेवेंटी सिक्स एंड सिक्सटीन का स्केयर टू फिफ्टी सिक्स अगर इसका हम टोटल करें देन इट इज़ सिक्सटी फोर हंड्रेड नेक्स्ट हमें जो इंपॉर्टेंटली फाइंड आउट करना है देखो ये फार्मूला में डी एक्स आ गया हमारे पास इसका टोटल भी आ गया डी वाई भी आ गया डी एक्स भी आ गया डी वाई भी आ गया ये तो डी एक्स का होल स्क्वायर है ये भी डी वाई का होल स्क्वायर है अब हमारे पास क्या बचा डी एक्स एंड डी वाई डी एक्स डी वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे ये है डी एक्स है डी वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस थर्टी फाइव को माइनस फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर्टीन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव को माइनस फोर्टी एट से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करा फोर माइनस माइनस प्लस टेन को थर्टी टू से करा थ्री ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस फाइव को एट से करा फोर्टी माइनस माइनस प्लस जीरो को जीरो से करा ज़ीरो सिक्सटीन टेन जो वन सिक्सटी एट फाइव जो फोर्टी. देखो बेटा कैलकुलेशन देखने में ऐसे लग रही हैं कि बहुत लंबी हैं बट इट इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करा देन इट इज़ सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करा टू फोर्टी जब हमने इसका टोटल करा देन इट इज़ डबल फोर एट जीरो अब हमें क्या करना है सिंपली फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है हमारा फार्मूला क्या है ये है एन का है अब यहाँ पे मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो एन इज टेन ठीक है अब फॉर्मूला में लगाए जरा वैल्यू टेन समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई इट इज फोर फोर एट जीरो मल्टीप्लाई फोर फोर एट जीरो देखो इसका मतलब है बेटे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड आउट करना माइनस समेशन डी एक्स क्या है ये इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है माइनस फिफ्टी समेसन ऑफ डी वाई इज माइनस एटी अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करना माइनस माइनस जब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इनका आपस में प्लस माइनस करेंगे तो एन अगेन टेन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है मल्टीप्लाई थ्री एट फाइव ज़ीरो माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्केयर अब डी एक्स का समेशन है माइनस फिफ्टी अब इसका हमें क्या करना है होल स्केयर और फिर अगेन इसका अंडर रूट यहाँ पे एन है टेन समेशन डी वाई क्या है यहाँ पे डी वाई स्क्र डी वाई ये है इसका स्क्वेयर है सिक्सटी फोर हंड्रेड माइनस अब यहाँ पे डी वाई क्या है समेशन डी वाई माइनस एटी तो माइनस एटी का स्क्वेयर सॉल्व करते हैं टेन इंटू फोर फोर एट ज़ीरो फोर फोर एट ज़ीरो ज़ीरो माइनस अब माइनस माइनस ये कैसे हो जाएंगे प्लस फिफ्टी को एटी से मल्टीप्लाई करा फोर थाउजेंड तो ये ऑलरेडी प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस ठीक है तो ये एंड में माइनस ही रहना है अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा थ्री एट फाइव ज़ीरो तो टेन से करा थ्री एट फाइव जीरो जीरो माइनस माइनस फिफ्टी का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो माइनस माइनस प्लस हो गया सिक्सटी फोर थाउजेंड माइनस सेम पे एटी का स्क्वायर सिक्सटी फोर हंड्रेड ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो गया नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फोर फोर एट ज़ीरो जीरो में से चौंतालीस हज़ार आठ सौ में से चार हज़ार को सब करेंगे तो आ जाएगा चालीस हज़ार आठ सौ थ्री एट फाइव जीरो ज़ीरो में से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस करा थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड का अंडर रूट देन सिक्सटी फोर थाउजेंड में से सिक्सटी फोर हंड्रेड माइनस करा तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बैठे इनका अलग अलग अंडर रूट निकालेंगे देन फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे देन फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड से वो वैल्यूज डिवाइड होंगी और हम इस तरह से हमारा आर आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट नाइन सिक्स अब जीरो पॉइंट एट नाइन सिक्स का मतलब क्या है कि देर इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हेयर ठीक है सो दैट मीज आवर शॉर्टकट मैथड अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया इसको बीते जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ठीक है स्टूडेंट्स